गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी का हाथ उठाने बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम ये जो ग्रंथ हम श्रवण कर रहे हैं, भक्त लोग ने अलग अलग समय पर हमारे जो गुरु जी की गुरु जी थे जिनका नाम था श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का भक्ति कृष्ण भक्ति विश्व में जो प्रचार उन्होंने किया है, अगर वो महापुरुष जगत में नहीं आते ना, हम जो थोड़ी बहुत भक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भक्ति हम नहीं करते। और कहते वो महापुरुष नहीं आते तो संत कहते ये दुनिया भी रहता नहीं, ये दुनिया खत्म हो जाता, क्योंकि भगवान अभी तक ये दुनिया को क्यों टिका कर रखे। अभी देखना यूक्रेन रशिया में युद्ध हो रहा है और कहीं अमेरिका और कोई दूसरे देश में लड़ाई करने के लिए अभी जा रहे हैं, इसलिए अभी भारत में युद्ध नहीं हो रहा। कारण है ये भारत में लोग भगवान की भक्ति करते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान कहते हैं मेरे जो भजन करते हैं ना उनका विनाश नहीं है, मैं उनको मरने नहीं देता हूँ, मैं उनको रक्षा करता हूँ, भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए अगर वो महापुरुष नहीं आते फिर क्या होता, जगत में कोई भक्ति करते नहीं, भगवान की दुनिया को क्यों बनाए, क्या खा पी कर मर जाए, नहीं, इसलिए ये दुनिया को बनाए, ये दुनिया में आ करके लोग भगवान की भक्ति करे और भक्ति करके मेरे पास में आ जाए, और मेरे पास में आने पर उनका शांति सुख सब मेरे चरण में ही है। इसलिए तो ये महापुरुष को भक्त लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया है, उन्होंने उसका जो उत्तर दिया है ये ग्रंथ है। हम एक प्रश्न एक उत्तर सुने, ठीक है। किसी ने उनको प्रश्न किया है, हम हर समय यही एक चीज चाहते हैं, हम सुख में रहे, एक चीज चाहते ना, बताओ जीवन में कौन दुख चाहता है, कोई चाहते हो, सब चाहते जीवन में शांति सुख भाव, और कहते हैं मंगल की करी है वे जीवन है हमारे, मंगल कैसे हो और संसार में सुख सुविधा में कैसे रहे, हम तो यही चाहते हैं और तो कोई चीज चाहते नहीं। तब इसका उत्तर देते हैं, अगर इसी संसार में कोई मंगल में रहना चाहते हैं, अपना सुख सुविधा में रहना चाहते हैं, एक काम करेंगे तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा और जीवन में तुम्हारे मंगल मंगल ही होगा। बोलो एक काम किया है, तो इसको उत्तर देते हैं, गृह व्रत व गृह शक्ति अले भयानक असुविधा। अगर ये संसार की वस्तु के प्रति अगर हमारी आसक्ति होगी, हैं, अगर हमारे संसार में आसक्ति होंगे और ये संसार को ही हम जीवन का व्रत बना दे, भगवान भगवान जीवन में कुछ नहीं, केवल कमाओ खाओ और मर जाओ जानवर जैसे, अगर ऐसे बुद्धि जिनकी रहेगी कहते वो कभी जीवन में सुखी रह नहीं सकते, कभी जीवन में सुखी रह नहीं सकते। इसलिए सुखी कैसे रह सकते हैं कि तू जिन्हें अनुक्षण कृष्ण रे सेवा करे, सही गुरुदेव अनुगत सेवा कर ले, अमातर हर कोन असुविधा था कि ना। यहाँ पर कहते हैं हर समय जो भगवान की सेवा करते हैं, हर चीज में ठाकुर को याद करते हैं, रसोई भी बनाए किसके लिए, ठाकुर के लिए बन रहे हैं, घर को साफ भी करे बोले भगवान मंदिर साफ कर रहे हैं, स्नान भी करे शरीर पवित्र होगा तब ठाकुर का सेवा करेंगे, हैं, पैसा भी कमाए ठाकुर जी की सेवा के लिए, जो काम करते हैं अगर हर काम में उसको ये याद रहे हम ठाकुर जी की सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हर समय हम ये कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं,
গুরুদেবের আনুগত্য সেবা করলে আমাদের কোন অসুবিধা থাকবে না? কথা করে গুরুজি কি আনুগত্য মে ভগবত সেবা করে, কে গুরুদেব কে আনুগত্য সে বিহীন হকর কে নেই, যো কিছু করে গুরুজি কি আনুগত্য মে হি अगर हम करेंगे तो संसार में क्या होगा? बोले भगवत भक्त अनुगमन और अनुसरण व्यतीत मंगल अन्य कोन रास्ता ना है। कहते जीवन में अगर कोई मंगल चाहते हैं, गुरु जी और संतों की अनुसरण करें, उनको पीछे पीछे चले, क्योंकि जो गुरु जी और संत होते हैं वो भगवान की भजन भगवान की भक्ति के सिवाय जीवन भर कुछ भी नहीं करते। उनकी हर क्रिया में एक उद्देश्य रहता है, हम ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करें, भगवान कैसे खुश हो। उनको केवल एक ही चेष्टा, और कोई उनकी चेष्टा रहती नहीं। जब उनको पीछे 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 चलेंगे पास, अपने आप कल्याण हमारी हो जाएगी। इसलिए मूल वस्तु भगवान ने सेवा अपेक्षा भगवत प्रेष्ट गुरुदेव सेवा अधिक मंगलमय। कहते भगवान की सेवा से ज्यादा सेवा किसकी? भगवान के भक्त और गुरु जी की करनी चाहिए। बोले क्यों? कहते तो भगवान की अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं कहाँ पर रहता हूँ? बोले साधव हृदय मुहिदम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्नते ना जानते ना अहम तमना गु। इसलिए जब दुर्वासा जी को पीछे सुदर्शन चक्र मारने के लिए दौड़ा, उनने पहले गए ब्रह्मा जी को पास में, ब्रह्मा भी नहीं रखा किया, शंकर जी को पास में गए, शंकर भी नहीं रखा किया। बोले जिनका चक्र उनके पास में गए ठाकुर जी को पास, जब उनके चरण में माफी मांगे, बोले देखो माफी तो हृदय से होता है, लेकिन मेरे हृदय मेरे पास में है ही नहीं, मेरे हृदय तो संतों के पास में और संतों का हृदय मेरे पास में, संत मेरे को सिवाय कुछ नहीं जानता, मैं भी संतों को छोड़कर जगत में कुछ भी नहीं जानता हूँ, है भक्त ही मेरा प्राण है, भक्त ही मेरा प्राण है। अगर तुम मेरे कृपा पाना चाहते हो कहाँ जाओ? मेरे भक्तों को पास में जाओ, उनके चरण में जाओ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब हम गुरु जी भक्तों की सेवा करते हैं, चूंकि भगवान के हृदय भक्तों का हृदय में भगवान रहते हैं, अगर कोई भक्त अगर खुश हो गया ना, ठाकुर खुश हो जाते हैं, ठाकुर जी अपने आप ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, लेकिन भक्तों की चाहिए, ऐसे नहीं जैसे तैसे हो, है। इसलिए इसने भक्त का बेस ही धारण किया, लेकिन भक्ति का कोई फल नहीं, ऐसे नहीं, सचमुच से भक्त होनी चाहिए, हैं? ऐसे नहीं केवल रंग कपड़ा रंगा लिया, भक्ति भक्ति कुछ है ही नहीं, दिन भर अपना भोग की चिंता कर रहे हैं, अपना भोग फिर तो नहीं होगा। इसलिए कहते जो 24 घंटा में 24 घंटा जो केवल भगवत सेवा भगवान के लिए जिनका चेष्टा वो साधु है, अपना सेवा के लिए अपना भोग के लिए नहीं, केवल ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के सुख में जो तत्पर वो संत है। केवल कपड़े को रंगाने से संत नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर करके दुनिया में संत मिलना बड़ा कठिन है, संत मिलना बड़ा कठिन है। हम जो देखेंगे जो संत हमारे घर में कभी कभी आते हैं, जटा जुट धारण करते हुए, हम साधु किसको मानते हैं? जो भगवा कपड़ा पहनते हुए हो, बड़े बड़े गले में कंठी पहनते हो, तिल खत्म, तो उसको ही साधु मानते हैं? बोले नहीं, ये उनका ऊपर का बेस है, ये साधु का लक्षण है, हैं? उनका जो अंतर लक्षण है, कहते मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बन्ति ये दृढ़ा, जो अनन्न रूप में केवल भगवान की भक्ति भगवान की सेवा में उसमें जो संपूर्ण रूप में उसमें जो तत्पर है, कहते वे संत है, हैं? वे संत है। भगवत प्रेष्ट सेवा अधिक मंगलदायक, इसलिए कहते भगवान की सेवा से ज्यादा मंगलदायी भक्तों की सेवा करने से। कहते गुरु सेवा द्वारा ही हमारे अधिकतर सुविधा है, गुरु सेवा कर ले पति तीवर उधार है। कहते भगवत सेवा में जितने हमारी कल्याण उससे ज्यादा लाभ है गुरु जी की जब हम सेवा करते हैं, क्योंकि गुरु जी हर समय क्या करते हैं? भगवान की सेवा में भगवान की भक्ति में वो लगे रहते हैं। इसलिए जब कोई भक्त सेवा करते हैं भगवान अपने आप उनकी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भक्त तो मेरे सिवाय कुछ जानता नहीं है, मेरे सिवाय कुछ जानता नहीं भक्त, इसलिए भक्त सेवा में भगवान ज्यादा प्रसन्न भक्त सेवा में होते हैं, गुरु जी की सेवा में होते हैं। इसलिए गुरु सेवा कर ले पतित जीवन उधार है, जरा वास्तविक मंगल चान तर अवश्य ही सादर गुरु वैष्णव सेवा करीवे। कहते जो विशेष भाव में अपना आत्म कल्याण चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए?
कहते उनको गुरु और भक्तों का सेवा ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करनी चाहिए। कहते गुरु सेवा की गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यतीत अन्य किछु करें ना। गुरु वैष्णव सेवा अर्थ के भगवत सेवाए सहात दरा व साधु गुरु आज्ञा निर्विचार सहानंद पालन दरा। यहाँ पर कहते हैं, कहते गुरु वैष्णव का सेवा, हम कहते हैं गुरु वैष्णव का सेवा करो, तो यहाँ प्रश्न कहते वो क्या है, वो क्या चीज है। कहते ये चीज है, कहते गुरु वैष्णव गण कृष्ण सेवा व्यतीत किछु जाने करे ना। इसलिए जो गुरु जी और वैष्णव ये क्या कौन क्या करते हैं, बोले जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा करना मतलब क्या। अगर किसी साधु गुरु वैष्णव के पास में जाऊँगा वो क्या बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे मेरे सेवा करो, वो बोलेंगे ठाकुर को सेवा करो। किसकी सेवा करो, वो बोलेंगे ठाकुर को सेवा करो। जो सही सही जो साधु है वो कभी नहीं बोलेंगे मेरे ही सेवा करो, वो बोलेंगे ठाकुर को सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे जो कल्याण है तुम्हारे ठाकुर का सेवा से ही कल्याण होगा। हैं, जब ठाकुर का सेवा में कल्याण होगा, जब ठाकुर जी की सेवा में कल्याण होगा, साधु क्या बोलेगा, जब हम उनकी सेवा करना मतलब क्या, ठाकुर जी की सेवा करो। नाम लेना तो किसका नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो। सेवा करना तो किसकी सेवा करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि उनकी सारी चेष्टाएं ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। इसलिए साधु गुरु आज्ञा निर्विचार से आनंद पालन करा। इसलिए कहते साधु और गुरु जी की कहते बिना विचार किए हुए उनकी आज्ञा को पालन करनी चाहिए। साधु गुरु आज्ञा निर्विचार से यही जन सर्वावस्था है गुरुवानुगत प्रयोजन। इसलिए कहते हर समय गुरु जी के अनुगत्य ही हर समय में प्रयोजन। बोले क्यों, बोले अगर उनके अनुगत्य करेंगे तो वो हम भगवान तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे, जैसे ध्रुव जी नारद से मिले, क्या नारद बोले मेरी सेवा करो, नारद बोले ओम नमः भगवते वासुदेव, ठाकुर का नाम जप करो। जैसे वाल्मीकि को साथ में दशरथनाकर को साथ में नारद से मिले, बोले क्या किसका नाम लो, राम का नाम लो, भगवान राम का नाम लो, उनके नाम से जीव का कल्याण है, हैं। इसलिए जो सही साधु है वो हर समय खुद भी भगवत सेवा करते हैं और उनकी अनुगत्य में जो आने वाले उनको भी भगवत सेवा में लगाते हैं, भगवत। इसलिए जो गुरुदेव ना ये बिचुआ, क्या बिचुआला, बिचुआलिया है, बिचोलिया, गुरुदेव बिचोलिया है। बिचोलिया क्या करता है, एक लड़का लड़की से संबंध करते थे, संबंध करा देता है ना बिचोलिया, ऐसे नहीं खुद लड़की से शादी कर ले, ऐसे नहीं, वो क्या करता है एक लड़का को लड़की के साथ में संबंध जोड़ देता है, ये काम है ना। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, जो जीव को किसको साथ में संबंध जोड़ देते हैं, ठाकुर जी को साथ, हैं, ठाकुर जी को साथ, बोले ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर का नाम लो, ठाकुर को पूजा करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, क्यों कल्याण तो वही करेंगे, तुम्हारे कल्याण वही करेंगे। लेकिन कलयुग में कभी कभी ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति हो गए हमारे उस तरफ में, जय गुरुदेव मंदिर में जाओ खाली है, गुरु ही सब कुछ, भगवान भगवान कुछ, ठाकुर भाकुर कुछ नहीं, जय गुरुदेव नहीं, ये सब गलत चीज है। इसलिए रामपाल, इसलिए ये सब गलत चीज है, ये सब गलती चीज है। इसलिए शास्त्र में उनको गुरु जी नहीं बताया है, नहीं ये जीवों को ठगना एक तरह का है, है? ये जीवों को ठगना ही है। इसलिए कभी भी गुरु जी जितने सारे ग्रंथ पढ़ लो, जितने सारे ध्रुव जी के कल्याण किसी ने किया, नारद जी ने, प्रहलाद का कल्याण नारद जी ने, व्यास देव का कल्याण नारद जी ने, व्यास देव जी जब सारे ग्रंथ लिखे लेकिन शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, जब नारद जी आए उन्होंने क्या बोले, बोले शांति क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुमने ये दुनिया की बात जितने बताया ना उतना तुमने भगवान की कथा नहीं सुना, भगवान की भक्ति की बात तुमने नहीं बताई, भगवान की भजन की बात नहीं बताई, इसलिए तुमको शांति नहीं मिली। इसलिए अगर तुम शांति पाना चाहते हो क्या करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की भक्तों का कीर्तन करो, भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला कथा करो। ये कौन कह रहे हैं, नारद जी, किसको, व्यास देव कौन, नारायण स्वयं, व्यास नारायण है, उनको नारद जी उपदेश दे रहे हैं।
अगर जीवन में शांति पाना चाहे तो क्या करो, भगवान की गुणान बात करो, ठाकुर की गुणान बात करो, इसी से तुमको शांति मिलेगी। ये गुरु जी का काम है, ऐसे नहीं खुद भगवान के आसन पर बैठ गए, बैठ कर भगवान भगवान कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ नहीं, ये नरक का रास्ता खाली करना सबके साथ है, खुद भी नरक में जाना और दुनिया को सबको अपना नरक में है ले जाना है। कहते ना गुरु क्या अंधा क्या अंधा, इसलिए जैसा गुरु वैसा चला, गुरु आज्ञा निर्विचय कुर्बानों को तो बात दिया, निजे निजे कृष्ण सेवा कर ले, दाम्भिकता कर ले असुविधा ही है। यहाँ पर कहते हैं भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, अपने आप नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की अनुगत में करो। बोले गुरु जी के अनुगत में जब करेंगे ना तो सही सही हम करेंगे हैं, नहीं तो उस समय सही सही ठाकुर का सेवा होगा, नहीं तो अपना मन मर्जी क्या कहता है, मतलब ठाकुर का सेवा करते बोले कैसे, बोले खुद प्याज लहसुन डाल मटर खाते हैं, हाँ शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल खूब खाते हैं, ठाकुर को बाता से भोग लगा देते, नहीं तो एक गिलास दूध दे देते दे। बोले ठाकुर का सेवा करते हैं, दिन में दो बार अपना ड्रेस बदलाते हैं, ठाकुर 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे थे, ठाकुर को 15 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे थे, बोले ठाकुर को सेवा करते हैं, ये सेवा नहीं है। प्रसाद में इलायची दाना रख देते हैं, हाँ प्रसाद में इलायची दाना रख देते हैं, कहते हम ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, ये ठाकुर सेवा नहीं, ठगना है ठाकुर जी, ये ठाकुर जी की सेवा इसको नहीं कहते, इसलिए। लेकिन जब हम गुरु जी की अनुगत्य करेंगे वो सिखाएंगे कैसे ठाकुर सेवा करनी चाहिए। बोले आत्मबद्ध, आत्मबद्ध मतलब क्या होता है, जैसे गर्मी का समय में पतले कपड़े पहनते हैं, ठाकुर का भी पतला कपड़ा पहना, जैसे ठंडी का समय में गर्मी जैसे ऊन जैसे वस्त्र धारण करते ऐसे करनी चाहिए। सवेरे जैसे हम लोग उठते ही भोजन करते हैं, सवेरे उठते ही ठाकुर को भोग लगता है, उनके लिए मिश्री मक्खन थोड़ी रखनी चाहिए, ठाकुर को लड्डू भोग लगानी चाहिए, दोपहर में घर पर राज भोग खिलानी चाहिए, जैसे हम घर में रोटी सब्जी सबसे पहले क्या करो ठाकुर जी की भोग लगाओ, हर चीज वो फिर उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करो हैं। जैसे बाजार में कोई बढ़िया फल आया मीठा फल आया, हम चाहते ना पहले हम खाए, पहले ठाकुर के लिए लाओ वो चीज को, ठाकुर को भोग लगाओ हैं। इसलिए जब हम सही सही संतों की गुरु जी की अनुगत्य करेंगे वो हमें सही सही बताएंगे ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए, फिर बताएंगे। इसलिए कहते गुरु जी के अनुगत्य के बगैर हम डायरेक्ट सेवा करने के लिए जाएंगे तो कहते वो डायरेक्ट ठाकुर जी की सही सेवा तो नहीं होगी, संतों की अनुगत्य में ही सही सेवा कर पाओगे। इसलिए दाम्भिकता कर ले असुविधा है, गुरु के अस्वीकार व अवज्ञा कर ले सर्वनाश है। कहते गुरु जी को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं अस्वीकार करते हैं फिर उसमें सर्वनाश है, है? इसलिए एक समय बृहस्पति जी आ रहे थे, एक समय इंद्र देवता में लड़ाई हुई और इंद्र जय प्राप्त किया, जय प्राप्त किया तो अभी इंद्र को सिंहासन में बैठा करके गले में गजरा का माला डाल रहे हैं, बोले महाराज इंद्र की जय जयकार कर रहे थे। इतने में गुरु जी बृहस्पति आ रहे थे गुरु इंद्र से मिलने के लिए, बोले क्यों आ रहे थे, उनको पता चला जब देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया ये दैत्य लोग बिगड़ गए, बोले हमें परास्त कर दिया हम सर्वनाश कर देंगे, ये शुक्राचार्य को लेकर मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग ये कर रहे थे इंद्र के सर्वनाश कैसे कर फिर लड़ाई करें। गुरु जी है कल्याण चाहते शिष्यों का, इसलिए गुरु जी को ये जब बात पता चला ये इंद्र को सावधान करने आ गए, सावधान हो जाओ सावधान हो जाओ फिर उनकी लड़ाई करने के लिए तुम आ रहे हैं, लेकिन इनकी जय जयकार हो रहा था ना, गले में मोटे मोटे माला पड़ रहा था इंद्र की जय, देखा दूर से गुरु जी आए तो गुरु जी को देखा, बोले गुरु जी का कोई कांड ज्ञान नहीं है, गुरु जी का कोई ज्ञान ही नहीं बुद्धि नहीं, और इसी समय मेरे को सिंहासन में बैठ करके गले में माला डाल रहे जय जयकार हो रहे, गुरु जी आएगा तो क्या करना पड़ेगा, गुरु जी को सिंहासन में बैठाना पड़ेगा, फिर गुरु जी की जयकार मेरे को देना पड़ेगा, अरे अभी मेरे जय जयकार हो रहा है, बोले गुरु जी की कोई बुद्धि बुद्धि है ही नहीं है, इसलिए गुरु जी को दूर से देख करके ना देख लिया गुरु जी आ रहे मुंह फेर लिया, गुरु जी तो साधारण थे, गुरु जी सब जानते हैं गुरु जी, बोले हाँ मैं तुमको रक्षा करने के लिए भलाई के लिए आ रहा हूँ, ये दैत्य लोग फिर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो तुम मेरे को देख करके मुंह फेरा रहे हो, गुरु जी चले गए। कहते गुरु जी जब किसी नाराज हो जाते हैं ना फिर वो श्री भ्रष्ट हो जाता है, उसको सारे
धन दौलत ऐश्वर्य सब खत्म हो जाती जब गुरु जी हमसे विमुख हो जाए। जब वहां गुरु जी चले गए, फिर शुक्राचार्य जी तो सब जानता है, उसको पता चला इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, अपमान करते सारे श्री भ्रष्ट हो गए, उसकी ऐश्वर्य श्री सब भ्रष्ट हो। बोले आक्रमण करो, आक्रमण करो अभी। शुक्राचार्य जी अपना चेलों को लेकर आए, दैत्य को मार मार करके इंद्र को वहां से भगा दिया, वहां से उनको भगा दिया वहां से। अब इंद्र जितने सारे देवता सबके सब मारे मारे भटक रहे, सब मारे मारे भटक रहे सबके सब, क्योंकि उनको भगा दिया उनको इंद्र राज्य से, क्यों गुरु जी नाराज हो गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर गुरु जी की अवज्ञा करने से अस्वीकार करने से क्या होता है, बोले सर्वनाश क्या होता है। इसलिए बताए पुनर्मुसिक भव, एक प्रभुपाद कथा सुनाते हैं पुनर्मुसिक भव। कोई बात करना चाहे कौन है हाँ। इसलिए कहते पुनर्मुसिक भव, ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी कथा प्रभुपाद सुनाए। बोले एक समय एक गुरुजी भजन कर रहे थे जंगल में, जब जंगल में भजन करते थे उसी समय में वहां पर एक बिल्ली एक चूहा था गुरुजी को पास में आसपास में घूमता था, लेकिन वो पास में रहता था कोई बिल्ली, और बिल्ली क्या करना चाहता था कभी कभी चूहे को खाने के लिए आता था। इतने में जो चूहा है ना गुरुजी के पास चू 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 करने लग जाता था। बोले गुरुजी बचाओ बचाओ, गुरुजी बचाओ, क्योंकि ये बिल्ली हमें खाने के लिए आता है। गुरुजी बोले ठीक है आज तुमको बिल्ली बना देता हूँ, क्योंकि चूहा है ना इसलिए बिल्ली खाना चाहता है, तुम बिल्ली बन जाओगे पर बिल्ली तुमको खा नहीं सकता है, चूहे को खा नहीं सकता। चूहे को उन्होंने बना दिया बिल्ली, जब बिल्ली बना दिया वो पास में रहता था कोई कुत्ता, ये कुत्ता देखना बिल्ली को देखते ही मारने दौड़ता है, अब देखना बिल्ली को देखते ही काटने दौड़ता है। और जो कुत्ता है ना ये कुत्ता जब बिल्ली को देखता था झपटता था, फिर बिल्ली आकर वहां 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 करके गुरु जी के पास में घूमने लग गया। बोले गुरु जी ये कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है मेरे को बच्चा। फिर गुरु जी बोले ठीक है तेरे को मैं कुत्ता बना देता हूँ, फिर कुत्ता तुमको कुछ करेगा नहीं। फिर कुत्ता बना दिया, जो बना दिया लेकिन वो जंगल में रहता था शेर, अब देखना शेर कुत्ता देखते ही खा लेता है, देखते ही खा लेता है। इतने में फिर जो उनको जो बना दिया कुत्ता, अभी शेर उसको झपटना चाहते हैं, फिर कुत्ता आ करके फिर गुरु जी के चरण में गिड़गिड़ाने लग गए। बोले गुरु जी वो शेर खाना चाहता है, इतने में बोले ठीक है मैं तुम फिर शेर बना देता हूँ, फिर खाएगा नहीं। फिर गुरु जी उनको शेर बना दिया, जब फिर गुरु जी शेर बना दिया ना, शेर बनाते ही शेर तो इंसान को खा जाता है, गुरु जी को देख करके दहाड़ने लग गया, गुरु जी को खाने के लिए आने लग गया हाँ गुरु जी को। बोले तू पहले चूहा था, चूहा से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, और कुत्ता से तेरे को शेर बना दिया, और शेर बन के मेरे खाने के लिए आ रहे हो। गुरुदेव उतने में लिया मंत्र पुत्र पानी छिड़काव किया, बोले जा पुनर्मुसिक भव, फिर तू चूहा बन जा। यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी गुरु जी की कृपा से जब हम कोई बड़े बन जाते हैं ना, फिर गुरु जी का आदर करना छोड़ देते हैं, हम क्या काम है अभी हम बहुत बड़े बन गए, हम अभी बहुत बड़े बन गए, गुरुपुरी को कोई जरूरत नहीं, हम स्वयं गुरु बन गए, अभी गुरु जी को कोई जरूरत नहीं, गुरु जी की है गुरु जी का और कोई जरूरत नहीं, बड़े बन गए ना गुरु जी की कृपा से है, सारा दुनिया में जय जयकार होने लगे। ये प्रभुपाद का समय भी ऐसे हुआ है, प्रभुपाद का कृपा से जब कोई शिष्य बड़े विद्वान बन गए, उस समय उनकी बराबर द्वितीय गणेश मानी जाती थी उनको, दूसरे गणेश, इतने उनकी कविता, इतने विद्वान, इतने संस्कृत का पंडित थे हैं, प्रभुपाद का कृपा से इतने विद्वता प्राप्त की, फिर प्रभुपाद की अनादर करना शुरू कर दिया, प्रभुपाद को छोड़ दिया, कहीं चला गया गलत रास्ता पर हैं, फिर प्रभुपाद का अनादर, बाद में इतने दुर्दशा भोगना पड़ा, पागल हो गए हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़े, लड़की क्योंकि जब गुरु जी अनादर दुखी हो जाते हैं ना गुरु जी की अवज्ञा, फिर उसको किसी माया के चक्कर में पड़ना पड़ता है, फिर माया झपटा उसको, लास्ट में इतने दुर्गति हुई, पागल होकर के टाटी के ऊपर में पायखाना करके उसके ऊपर लौट पोट खाते थे, और जिस लड़की के चक्कर में पड़े लड़की ही गला खत्म हो गए।
इसलिए कहते हैं सावधान, यहाँ पर कहते साधु सावधान, भक्ति जगत में बड़े सावधान से चलनी चाहिए, नहीं तो माया पता नहीं कब जब्त करके फिर हमें फिर पुनर्मुसी का भाव फिर चूहा बना देंगे, हैं? फिर शेर से फिर हम चूहे बन जाएंगे। इसलिए कहते साधु सावधान। इसलिए कहते हैं, कहते गुरु के अस्वीकार अवज्ञा कर ले सर्वनाश है। जब गुरु जी का अस्वीकार और अवज्ञा करते हैं जीव का सर्वनाश, फिर सर्वनाश हो जाता है। हमी हरि सेवा करी, एटा केवल दाम्भिकता, हम ही भगवान की सेवा करते हैं, हैं? हम भगवान की सेवा करते हैं, कहती है दाम्भिकता, तो फिर कौन सेवा करता है? बोले करने वाले कौन? बोले गुरु जी करते हैं, गुरु जी कर रहे हैं। बोले परिक्रमा कौन कर रहे हैं? इसलिए गुरु जी बोल रहे थे जब हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज परिक्रमा हो रहे थे, बोले परिक्रमा कौन कर रहे हैं? बोले हम कर रहे हैं। बोले नहीं, कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी के अनुगत्य में हम परिक्रमा कर रहे हैं, हैं? हम थोड़ी परिक्रमा कर सकते हैं, हम तो मायाबद्ध जीव है। इसलिए दाम्भिकता ही पतन रे प्रथम कारण वो प्रधान कारण। इसलिए यहाँ पर कहते कभी भी जितने बड़े हो जाओ, जैसे किसी वृक्ष में फल आ जाए, देखे ना जिस वृक्ष में जितना फल आता है ना उतना झुक जाती है ना, झुक जाती है, कभी सर ऊंचा कभी नहीं होता है, वो झुकती है। कहते नम्रते गुणना जना नम्रते फल न वृक्षा। इसलिए जिसको अंदर में जितनी ज्यादा गुण पढ़ाई लिखाई हो वो दाम्भिकता नहीं, उसको अंदर में इतने दीनता आती है, उतना दीनहीन भाव उसके अंदर में आते हैं। दाम्भिकता ही पतन रे प्रथम कारण हो प्रधान कारण। जो दाम्भिकता है ना यही पतन का कारण, यही जीव का बनता है। इसलिए गुरु वैष्णव छिद्र देख ले सर्वनाश अनिवार्य। इसलिए गुरु वैष्णव का छिद्र नहीं देख, छिद्र मतलब दोष नहीं देखनी चाहिए। गुण ग्रहण, जैसे मधुमक्खी है ना हर फूलों के ऊपर बैठ करके भी वो मधु को सहेद को ग्रहण करता है। इसलिए गुरु वैष्णव का दोष नहीं देख कर उनकी गुण को देखनी चाहिए। गुरु सेवा व्यतीत जीवन की छुते ही सुविधा व मंगल है वे ना। इसलिए जब तक हम गुरु जी का अनुगत नहीं करते हैं तब तो जीव का कभी भी सुविधा नहीं होगा, कभी उसकी मंगल नहीं होगा। इसलिए निज सुखर जन व्यस्त ही अमंगल है। कभी भी अपना सुख के लिए तत्पर नहीं होनी चाहिए। सुख गुरु जी वैष्णव और ठाकुर, हम ठाकुर को कैसे खुश करें? भगवान खुश हो तो हम भी खुश रहे, है? जा पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई। ठाकुर को जिसको पर कृपा हो जाएगा सभी उसको पर में कृपा कर देते हैं। इसलिए एकांतिक ना है कृष्ण सेवा है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें एकांतिक भक्त बनना पड़ेगा। एक निष्ठ भक्त होनी चाहिए भगवान की, बहुनिष्ठ नहीं। गुरु सेवा ना कर ले एकांतिक हुआ जाए ना। गुरु वैष्णव सेवा में तो मायावती जीवन परित्राण लाभ अन्य को उपाय नहीं। इसलिए जब तक हम गुरु जी का अनुगत नहीं करते ना एकांतिक का भी खुद नहीं बन सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं हम तो भक्ति करते हैं भगवान, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु जी का अनुगत के बगैर कर रहे हो भक्ति, भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति कैसे है? आज सोमवार है, शंकर जी के मंदिर में जाए बम बम करके भोले बाबा आप ही हमारी सब कुछ हो, तन मन धन आपके चरण। मंगलवार होगा शंकर जी के तरफ में देखेंगे नहीं, सीधा हनुमान जी के पास में जाए। जो शंकर जी को बोल रहे थे पहले दिन था शंकर सब कुछ, दूसरे दिन शंकर कुछ नहीं हैं, उनको साइड कर दिया हैं। अभी हनुमान जी को मंगलवार होगा तो जाएंगे इसको पास में, गणेश जी को पास में फिर जाएंगे हैं। फिर ये थोड़ी भक्ति है संतोषी मैया, फिर हमारी जो भक्ति ना सब दामादल भक्ति है, सब है दामादल भक्ति नहीं, भक्ति एक अनिष्ट भक्ति है। जैसे भक्ति को बताया ये एक पतिव्रता स्त्री के धर्म, जैसे पतिव्रता किसको कहते हैं? जिसका पति एक है, जो पति की ही सेवा में जो जीवन को दे दे, पति को ही जीवन का सर्वस्व माने पतिव्रता स्त्री। भक्ति ऐसे एक धर्म है। इसलिए मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई है। इसलिए एक अनिष्ट भक्ति, सबको आदर दो, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हृदय में कान्हा को ही बैठा कर रखो, भगवान को बैठा कर रखो। लेकिन कब होगा? जब गुरु जी की शरण में जाएंगे, हमें कौन समझाएगा? हम तो अपना मनमानी भक्ति कर रहे हैं, वो मनमानी भक्ति भक्ति नहीं है। इसलिए गुरु जी की जब अनुगत्य में आएंगे तभी भक्ति हमारी सही भक्ति होगी। इसलिए क्या कहते हैं, गुरु वैष्णव सेवा व्यतीत मायावादी जो परित्राण लाभ का उपाय नहीं। इसलिए जब तक हम गुरु वैष्णव के शरण में नहीं जाते है, हम माया में बद्ध है, तब तक हमारी कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, सुविधा नहीं होगा। जब साधु संतों की शरण में हम नहीं
जा करके उनके अनुगत में भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारे कल्याण नहीं। इसलिए कहते जीवन में तभी मंगल होगा, जीवन में तभी सुविधा होगा जब संतों के अनुगत में भगवान की भक्ति करे, सेवा करे, तब हमारी कल्याण होगा। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। आप लोग भजन गाना चाह रहे थे ना, कि ये दोनों भी अच्छी भजन गाते, एक भजन बढ़िया से भी भजन गाओ, लो माइक लो।